अच्छा जी, अभी जो आप टैक्स देख रहे हैं ये ग्रीन में, चाहे उसको आप पिंक में बनाएं चाहे ब्लू में बनाएं, बहुत आसान है इसको बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आपने जो भी टैक्स इफेक्ट देखा अभी हम वो बनाएंगे। सिंपल आपने करना है क्या, फाइल पर आप आएंगे, ठीक है, न्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 1200x750 पिक्सल ले लेंगे, RGB कलर ले लीजिएगा और क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना है क्या, सिंपल टेक्स्ट टूल लेना है और आपने क्लिक करना है, ठीक है, वाइट कलर ले लीजिएगा और फिलहाल वाइट कलर है ही, और यहाँ से आपने फॉन्ट ले लिया कैलसी, एक फॉन्ट है हमारा कैलसी वन फिल, और इसका साइज़ बड़ा कर दिया आपने, ठीक है, और हमने टेक्स्ट लिख दिया डिज़ाइनर, ठीक है, तो हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि सिंपल राइट क्लिक करके इसको आपने पहले इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है और आपने करना है क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, फिर राइट क्लिक करके अब इसको करना है अनग्रुप, ठीक है। अब मेन काम आपका स्टार्ट होता है। अब अच्छा जी, अब आपने करना है क्या, यहाँ से ले लेना है, जेड दबाना है या ये अच्छा ले लेना है मैग्नीफाई ग्लास, इसको जूम करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेनी है पेंसिल, पेंसिल पर राइट क्लिक करेंगे, पेंसिल टूल लिया और इसके बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए आपने इसको एक स्टाइल दे देना है ऐसे और ऐसे, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से काला ब्लैक कलर ले लीजिएगा, ओके कीजिएगा और ये ब्लैक हो जाएगा, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, दोबारा कर लीजिएगा, ओके करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल कर्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें इशू है, तो कोई मसले की बात नहीं है, फिलहाल हम यहाँ से भी कर लेते हैं इसको, और जो मैं चाह रहा हूँ उसको यहाँ से उठाएंगे आप ऐसे, यूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा पकड़ के, यहाँ पे एक टूल होगा आपके पास ये वाला, इसको पकड़ के आपने ऐसे अंदर कर देना है और यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे देना है, ठीक है। यार ये क्यों हो रहा है, चलो फिलहाल इसको ब्लैक कलर दिया आपने, ठीक है। अब इसको पकड़ के यहाँ से भी अंदर करें, ठीक है। अब इन पूरे को आप सेलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे ऑब्जेक्ट में पाथ और यहाँ पे होता है स्मूथ, स्मूथ पे आपने क्लिक कर इसको जितना स्मूथ आप करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से स्मूथ कर लिया, ठीक है, तो ये कर्वनेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या तो आप इस तरह कर सकते हैं या इसके अंदर एक टूल और होता है ये स्मूथ टूल, इसके ज़रिए भी अगर आप इसको फेरेंगे तो ये स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, इसके ज़रिए आप स्मूथ करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, जहाँ जहाँ किनारे होंगे वो आपके स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपको ऑप्शन ना मिले पाथ के अंदर स्मूथ, तो फिर वो आपने उसी तरीके से करना है, ठीक है। बाकी आपने थोड़े से इसको एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ से ले लिया पेंसिल टूल, ऐसे आपने इसको मिला देना है, ठीक है, पाथ टूल लिया, इसको सेलेक्ट करा, इसको आपने ऐसे जोड़ लिया, ठीक है, कलर देंगे एज यूजल, चाहे तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर कलर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको इस आर को भी कर लेना है, उसके लिए पेंसिल टूल लेंगे आप, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे और इसको लेके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, पेंसिल टूल पाथ टूल लिया, इसको सेलेक्ट करा, वैसे ये पाथ होता है फोटोशॉप के अंदर, पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको स्मूथ करना है, तो ऑब्जेक्ट शे पाथ और स्मूथ में आप आ जाएं, इसको स्मूथ कर लें, ओ दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले, ऑब्जेक्ट पाथ स्मूथ और अपने स्वाद से इसको स्मूथ कर लीजिए आप, ठीक है, गुड हो गया। बाकी इसके किनारे मिला दीजिएगा, सही है, किनारे भी सही लग रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा शायद मुझे, तो और उठा के यहाँ कर दें, डबल क्लिक करके ये ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है जी, गुड हो गया काफ़ी, ये वैसे क्लिक डबल क्लिक करें, इसको एडजस्ट कर दें ऐसे, काफ़ी गुड जी, ये हो गया आपका ज़बरदस्त, आपने इस पूरे को सेलेक्ट करा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आके इसको कर दिया ग्रुप। अब मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड और इफेक्ट पा के 3D मटेरियल्स और इनफ्लेट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये लोड हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ रखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ रखें इसको साइड में,
आपने करने के इस पर क्लिक रखना है, ठीक है। इन्फ्लेट पे नीचे आना है, इसको सबसे पहले तो आपने कर देना है 28 और 29 के करीब, ठीक है। और यहाँ पर होता है प्रोस्पेक्टिव, इसको आगे तक ले जाएं, मेरे ख्याल से आखिर तक मैंने सही रखा है इसको। उसके बाद मैं लाइटिंग पाऊँगा, ठीक है। लाइटिंग पाने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे आ जाएं आप, शेडो के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, तो उसका शेडो आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने आखिर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, रे ट्रेस पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट कीजिएगा और ये हमारा फाइनल लुक तैयार है। इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ, ये आपका डिज़ाइनर टेक्स तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें जनाब, ये बड़ा भी हो गया। इसका कलर चेंज करना हो तो क्लिक करके यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका बबल गम कलर दे देता हूँ, ओके करें। और जनाब ये हो गया आपका कलर चेंज और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है जनाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।